पुरंदर मिश्र जी, माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी, हम सम्मान्य अतिथियों को वो मंच पर आ चुके हैं और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है। हम आग्रह करेंगे सम्मान्य अतिथियों से और विभाग के अधिकारियों से कि वे आगे आएं और दीप प्रज्वलन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सभी दर्शकों से हम आग्रह करते हैं अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है। सभी सम्मानीय अतिथिगण अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और अब हम स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एस प्रकाश, सचिव परिवहन। माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं श्री अरुण साव जी, उनके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री प्रदीप गुप्ता जी को, एडीजी ट्रैफिक। आईजी रायपुर रतनलाल डांगी जी हैं, हम आग्रह करते हैं कि वे आए और सांसद महोदय श्री सुनील सोनी जी का स्वागत करें। हमारे बीच संजय शर्मा जी हैं, हम आग्रह करते हैं कि वे आएं और सम्माननीय विधायक महोदय पुरंदर मिश्र जी का स्वागत करें और संजय शर्मा जी से ही आग्रह है कि माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात हम स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं श्री एस प्रकाश, सचिव परिवहन। आज का इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारा बीच पधारे हमारा राज्य का माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और साथ में इस कार्यक्रम में आए हैं हमारा राज्य का उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी और यहाँ का विधायकगण माननीय सांसद जी माननीय सुनील सोनी जी और विधायकगण माननीय पुरंदर मिश्रा जी और मोतीलाल साहू जी एवं मेरे साथ आए विभाग के टीसी साहब और एडीजी साहब और जिला प्रशासन के कलेक्टर, सीओ, कमिश्नर, आरटीओस और सभी विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण और विभिन्न प्रदेश से आए हमारा इस कार्यक्रम के लिए जो फिल्म फेस्टिवल के भाग में लेने के लिए विभिन्न प्रदेश से आए भागीदारीगण और यहाँ आए सभी कॉलेज और 11वीं-9वीं बच्चों और अन्य सभी के लिए इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ। सर, इस अवसर पर आपको मैं 2-3 पॉइंट संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। हर साल हम लोग भारत सरकार के निर्देश के तहत रोड सेफ्टी वीक बनाते हैं और इस बार भारत सरकार ने बोला है एक महीना पूरा करना है करके, सो उसके तहत हम लोग 15 जनवरी से 15 फरवरी तक रोड सेफ्टी माह बना रहा है। इस बीच में आपका समय मिला है, आपके पास अभी इतना व्यस्त समय में भी आपने आए हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी आपके पास ही है, सो हमको लिए अच्छी सहूलियत समय है। सो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम लेने के लिए भी इच्छुक है।
साथो साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ क्योंकि रोड सेफ्टी रिलेटेड है, सो हमारा लीड एजेंसी है जो रोड सेफ्टी का फुल टाइम देखते हैं और राज्य लेवल पर वो पूरे का काम उन्हीं को देखने के लिए, उसमें विभाग के जो जुड़े हुए विभाग से भी भागीदारी लोग है, जैसे कि पुलिस से भी है, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन, हेल्थ और वर्क्स डिपार्टमेंट एनएच के और पीडब्ल्यूडी का है, सभी का एक एक अधिकारी वहां पोस्टर है, उसको उनका काम रेगुलर मॉनिटरिंग करना है, कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना सड़क में हो रहा है तो मतलब उसको लगातार मॉनिटरिंग करना और साइट में जाना है, और कोई भी कहीं अप्रिय घटना ज्यादा से ज्यादा एक ही जगह पर हो रहा है मतलब वहां जाकर ऑडिट भी करना, ऑडिट करने के बाद उस जगह का ब्लैक स्पॉट घोषित करने का, और जगह जंक्शन आता है उसको भी कहीं कहीं प्रोमिनेंट एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो रहा है उसको भी सुधार करने का, लगातार वो लोग रिपोर्ट के आधार पर हमारा राज्य लेवल पर मुख्य सचिव महोदय का एक कमिटी है, उस कमिटी में हम लोग उसको एक बार ब्लैक स्पॉट घोषित होगा तब तक उसको ब्लैक स्पॉट को डिजाइन को बदल कर उसको दूर नहीं हो रहा है तब तक परमानेंट रहेगा सर। ऐसी हमारा राज्य में अभी तक लगभग 750 ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित हुई थी, उसमें से लगभग 625 के आसपास अभी निराकरण भी हो गया, दूर भी हो गया है सर। लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं उसका। सेम पैटर्न जंक्शन सुधार में लगभग 4000 के आसपास चिन्हांकित होकर और उसमें से 2500 के आसपास काम भी पूर्ण हो गया। सो ये लगातार मॉनिटरिंग का काम हम लोग जनता का सुरक्षा के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, रोड सेफ्टी के हिसाब से ये पूरा हम लोग कर ही रहा है, डेटरन का काम। साथो साथ मैं आज सभी से यही है, आज ये अच्छा मौका भी है जागरूकता के लिए हम लोग करते रहते हैं, और ये इस मंच के माध्यम से जागरूकता के लिए भी आज बड़े बड़े पैमाने पर इस माह पूरा भी करना है। जागरूकता रोज तो होता है बट इस माह को स्पेशली हम लोग देश पूरा बना रहा है, हमारा राज्य में आज उसका बड़े कार्यक्रम भी हो रहा है, सो इसका लाभ अधिक से अधिक लाख लोगों के लिए जो जाइए, सो दैट अच्छा से अच्छा आप जीवन यापन में और कोई किसी का अप्रिय घटना हो उसको भी ध्यान करते हुए आगे सभी सहूलियत में ट्रैफिक रूल्स को पालन करते हुए करेंगे करके, उसी आशा के साथ जितने भी आए सभी के लिए स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सचिव महोदय। और अब हम आग्रह करते हैं श्री प्रदीप गुप्ता जी से, सड़क सुरक्षा परिदृश्य पर उनका एक उद्बोधन है, संक्षिप्त उद्बोधन। आज के इस सड़क सुरक्षा विषय पे आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी, हमारे बीच यहाँ मौजूद सांसद माननीय सुनील सोनी जी, हमारे बीच मौजूद विधायक गण माननीय पुरंदर मिश्र जी एवं श्री मोतीलाल साहू जी, सचिव परिवहन श्री प्रकाश, विभिन्न विभागों के अधिकारी गण यहाँ पर उपस्थित, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं, मीडिया के हमारे मित्रगण, देवियों सज्जनों, हम शुक्रगुजार हैं परिवहन विभाग के कि जो सड़क सुरक्षा थीम पर आयोजित एक स्पर्धा थी शॉर्ट फिल्म्स बनाने की, उस फिल्म्स का एक जो अवार्ड सेरेमनी है उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में उसे स्थान दिया, इसके लिए हम उनके बेहद आभारी हैं। सड़क सुरक्षा एक ऐसा विषय है जो अब बेहद एक गंभीर रूप ले चुका है। अब इसके विषय में जो हमारे टारगेट्स सेट हैं वो केवल हर प्रदेश के लिए पृथक, हर देश के लिए अलग ऐसा नहीं है, अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त राष्ट्र ने इसका संज्ञान लिया है, और 2019 में जो उनका डिक्लेरेशन था उन्होंने जो उसमें टारगेट दिया है कि एक जो 2021 से 2030 तक की जो 10 वर्ष की अवधि है उस अवधि में समूचे विश्व में हम अपने रोड एक्सीडेंट्स से होने वाले जो गंभीर चोटें हैं और रोड एक्सीडेंट्स में जो होने वाली मृत्यु दर है उसको हम 50% पे लाएंगे। ये बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और इसकी दिशा में
हिंदुस्तान में भी कार्य हो रहा है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और अपनी एक समिति बनाई है, सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी, और उनका एक नियमित इस फ्रंट पे जो भी कार्यवाही हो रही है इसका आकलन हो रहा है। टोटल अगर राष्ट्र में देखा जाए, हर वर्ष हम लोग 1.5 लाख से ऊपर अपने नागरिकों को रोड एक्सीडेंट्स में खो देते हैं। इसके अलावा कितने ऐसे हैं जो कि अपंग हो जाते हैं, उसकी गिनती इससे भी कहीं ज्यादा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, और ये तब चिंताजनक और हो जाता है अगर आप देखें कि पूरे विश्व में जो वाहन है, हम हिंदुस्तान में केवल उसका 1% वाहन अपने पास रखते हैं, लेकिन हमारी जो मृत्यु दर है वो 11%, यानी वाहन का जो अनुपात है उसके मुकाबले हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स 10 गुना हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो चुनौती विश्व के स्तर पर है कि एक्सीडेंट्स की दर कम करना है, ये हमारे पर और ज्यादा है, भारतवर्ष पे ये चुनौती और ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में ये जो 1.5 लाख मृत्यु होती है प्रत्येक वर्ष, 1.5 लाख से अधिक पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ में अकेले हमारे यहाँ ये दर चिंताजनक है और 6,000 के ऊपर है। नियमित रूप से शासन के सभी विभाग विभिन्न माध्यमों से, जैसा कि सचिव परिवहन महोदय ने बताया, इसके दिशा में प्रयास और प्रयत्नशील हैं कि कैसे हमारे रोड की इंजीनियरिंग ठीक हो, कैसे सड़कों पर ट्रैफिक रूल्स का एनफोर्समेंट ठीक हो, और हम सभी दिशाओं में कैसे काम करें। तो एक तो पार्ट हो जाता है एनफोर्समेंट का कि पनिशमेंट, चालान, फाइन, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जिसे हम कहना चाहिए जन जागरूकता। इसके तहत नागरिक को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, नागरिक पूरी तरह से केवल दंडात्मक कार्यवाही के भरोसे न रहे कि जब तक ट्रैफिक का पुलिस का अधिकारी खड़ा हो तभी हम वहां पर एक डिसिप्लिन के साथ वाहन चलाएंगे, ऐसा नहीं। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, परिवहन के द्वारा, और उस दिशा में एक प्रयास ये फिल्म महोत्सव भी है, ये जागरूकता की दिशा का एक प्रयास है। जागरूकता के लिए विभिन्न अवसरों पर पुलिस के अधिकारी, अन्य विभागों के अधिकारी विभिन्न समुदायों में जाते हैं, संस्थाओं में जाते हैं और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताते हैं। जो प्रमुख 4 बिंदु हैं जिससे कि हमारे एक्सीडेंट्स कम होंगे, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, ओवर स्पीडिंग ना करना और ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करना, ये जो 4 प्रमुख पहलू है डिसिप्लिन से रिलेटेड, इनको लेके अपनी बात जनसामान्य में फैलाते हैं। ये फिल्म महोत्सव इसी तरह की बात को लेके आगे बढ़ने की दिशा में एक प्रयास है, और इसमें इसको राष्ट्रीय स्तर पे आयोजित किया गया। मैं माननीय अतिथियों को बताना चाहता हूं कि इसमें 650 से ऊपर पूरे राष्ट्र से, भारतवर्ष से प्रविष्टियां आई, लोगों ने रजिस्टर किया, और 450 से अधिक शॉर्ट फिल्म्स लोगों ने जन जागरूकता के विषय पे हमको भेजी। इसमें 2 कैटेगरीज थी सर, एक कैटेगरी था भारत की सभी भाषाओं की कैटेगरी थी, और दूसरी कैटेगरी थी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की सभी भाषा बोली की कैटेगरी, और इन दोनों में हमको बड़ी प्रचुर मात्रा में प्रविष्टियां मिली, और एक बहुत ही योग्य ज्यूरी मंडल ने इनका अवलोकन किया। इसमें से जो अवार्ड विनिंग कैटेगरी के हैं उनको छांट के निकाला, और जिनको दिखाया जा सके, जिन शॉर्ट फिल्म्स का हम आगे चल के यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जन जागरूकता फैलाने में, ऐसे 44 फिल्मों को हमने निकाला है जो कि दिन भर यहाँ पर इस स्क्रीन पर हम लोग विभिन्न स्कूल के बच्चों को, विभिन्न कॉलेज के बच्चों को हम प्रदर्शित करेंगे और उनको ये दिखाएंगे। साथ ही आने वाले संपूर्ण वर्ष में हम इन फिल्मों का उपयोग करेंगे अपने जन जागरूकता अभियान के लिए। तो ये अगर प्रविष्टियों को देखा जाए तो सच्चे मायनों में एक राष्ट्रीय स्तर का फिल्म फेस्टिवल था जो छत्तीसगढ़ में आयोजित जो आज हो रहा है, जिसकी हम अवार्ड्स देंगे। इसमें 19 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है और कई विभिन्न अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसमें प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा और इस सफलता से हम बड़े प्रेरित हुए हैं, और हमें
शासन का जो सहयोग मिला है इसके लिए, आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय यहाँ उपस्थित होके आपने रेखांकित किया है कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है, और इस आपके मार्गदर्शन के हम आभारी हैं सर। और इस दिशा में हम निरंतर जन जागरूकता फैलाने की अभियान को जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्री प्रदीप गुप्ता जी, एडीजी ट्रैफिक। और अब हम सम्मानीय अतिथियों के हाथों विमोचन करवाना चाहते हैं, सड़क सुरक्षा मार्गदर्शिका एवं पोस्टर का विमोचन सम्मानीय अतिथियों के हाथों। हमें खुशी है कि माननीय विधायक अनुज शर्मा जी भी मंच पर आ चुके हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। सड़क सुरक्षा मार्गदर्शिका एवं पोस्टर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सांसद महोदय, समस्त विधायक गण के हाथों यहां पर हो रहा है। शुक्रिया। और सम्मानीय अतिथियों के समक्ष हम एक छोटी सी फिल्म की क्लिपिंग भी यहाँ पर करेंगे। अभी पोस्टर के बाद मार्गदर्शिका का विमोचन सम्मानीय अतिथियों के हाथों यहाँ पर होगा। मार्गदर्शिका का विमोचन सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से मंच पर होता हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अतिथियों के समक्ष अब हम जो ये पूरी शॉर्ट फिल्म हुई है उसकी झलकियां बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिखाना चाहते हैं। हम टीम से निवेदन करेंगे कि वीडियो प्ले करें।
गलती मोर रही से पर सजा तोला मिला थी मोला माफ कर दे और कारण तोर बड़े भैया तोर से दूर होके मैं माफी के काबिल नहीं हूं। अच्छा ना छोटू जल्दी होगी सोईते रुकना भाई जोर से ला रहा है ले जल्दी कर भैया हाँ हो गए हाँ। भैया ते होली लगा था ती है ने ते लंबे लगा अरे ती लगा दे चा तस्वीर पे चल मल दे होला भैया ते पछत माँ पापा मना भगवान कर चल दे तो उमन हमर मन से मिले बर आही कि नहीं है ओमन हा हमला मिले बर आही लेकिन ओकर ले पहली तो हमला डॉक्टर कर जाना है काबर की तभी तो राखी ठीक होई चल अब चलबो आमा एक बहुत बड़ी खुशखबरी आवे मोर प्रमोशन हो गए हेलमेट तो लेके जाइए तो ये आपने एक झलकियां देखी कि किस तरीके से फिल्मों की प्रस्तुति यहाँ पर हुई है और कितने प्रतिभागी यहाँ पर आए हुए थे और सबने अपने तरफ से बहुत सुंदर प्रयास किए हैं और इस प्रयास को अब अवसर है सम्मानित करने का। हमें बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मंचस्थ सभी सम्मान्य अतिथियों के करकमलों से अब इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सम्मान की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सबसे पहले क्योंकि दो कैटेगरी थी एक भारतीय भाषाएं और दूसरी कैटेगरी थी छत्तीसगढ़ी हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ी के विजेताओं के नाम का उद्बोधन यहां पर कर रहे हैं और उन्हें मंच पर आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ी फिल्म की कैटेगरीज में पहला पुरस्कार है बेस्ट स्टोरी का सबसे अच्छी कहानी का और यह पुरस्कार फिल्म को जा रहा है हेलमेट और ये पुरस्कार जा रहा है माफ कीजिए बेस्ट स्टोरी का गलती मोर सजा तोर लिमेश कुमार साहू। मंच पर आप आए हम आग्रह कर रहे हैं कि समय का ध्यान रखेंगे और शीघ्र हम मंच पर आते जाएंगे। बेस्ट स्टोरी गलती मोर सजा तोर और लिमेश कुमार साहू उनके टीम के सदस्य भी हैं यहां पर। 25,000 रुपए का पुरस्कार और सम्मान इन्हें मिल रहा है। इसके बाद है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड द टेल ऑफ नेग्लिजेंस ऋषिल थवारे हम उनको आमंत्रित करते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म की कैटेगरी में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड है ये द टेल ऑफ नेग्लिजेंस ऋषिल थवारे। हाँ पहुंच गए इसका। हाँ मैं आ गया हूँ ते भी आ जाना तो जरूरत ही मुना। हाँ बस मालिक पैसा दे रहे थे तो फोन पर। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ कलाकार का सम्मान हेलमेट के बिन्नी पाल को यह सम्मान मिलता है हम उन्हें आमंत्रित करते हैं मंच पर। हेलमेट के बिन्नी पाल सर्वश्रेष्ठ कलाकार हेलमेट। गुड मॉर्निंग बच्चों सिट डाउन। लोकेश्वरी यादव प्रेजेंट मैम। मंटोरा
मंटोरा आज भी नहीं आए हैं? नहीं आए। अब फिल्मों की कड़ी है, एक महीने सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कड़ी में तीसरा पुरस्कार हासिल किया है हेलमेट ने। बिन्नी पाल को फिर से हम मंच पर ही आमंत्रित करते हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ मूवी की जो तीसरी श्रेणी है, तृतीय पुरस्कार वो उन्होंने हासिल किया है। इसी श्रेणी में दूसरे पुरस्कार पर हैं द टेल ऑफ नेग्लिजेंस। आयुष वाघमारे को हम आमंत्रित करते हैं। टेल ऑफ नेग्लिजेंस फर्स्ट रनर अप बेस्ट मूवीज। ऋषिल थावरे आप आ जाएं अपनी टीम से। और सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म छत्तीसगढ़ी कैटेगरी में गलती मोर सजा तोर, इसके लिमेश कुमार साहू मंच पर आ जाएं। गलती मोर सजा तोर लिमेश कुमार साहू, यह सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म छत्तीसगढ़ी फिल्मों की कैटेगरी में। बेस्ट मूवी इन अप्रिशिएशन है गंगुआ। देवेंद्र जांगड़े को हम आमंत्रित करते हैं, उन्हें हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उनका बहुत अच्छा प्रयास रहा। आइए। बेस्ट मूवी इन अप्रिशिएशन गंगुआ, देवेंद्र जांगड़े। सम्मान की इस श्रृंखला में अब भारतीय भाषाओं की जो फिल्मों की एंट्रीज थी, हम उनका यह नाम लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले बेस्ट स्टोरी, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए जो फिल्म चयनित हुई है या जिसे पुरस्कार मिल रहा है वो है फाइनल्स, विवेक विजयन। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो मंच पर आए। विवेक विजयन, सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार उन्हें मिल रहा है, फाइनल्स यह फिल्म का नाम है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का जो अवार्ड जा रहा है वो है ट्रैफिक रूल्स को, शैलेश अनिखिंडी। शैलेश जी को हम आमंत्रित करते हैं, उनका फिल्म है ट्रैफिक रूल्स, इन्हें बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिल रहा है। शैलेश जी मंच पर हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे वो आगे बढ़ें और अपना सम्मान ग्रहण करें। भारतीय भाषाओं के फिल्म की कैटेगरी में ये बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड है जो शैलेश जी को मिल रहा है। इसके पहले बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला था। अब सर्वश्रेष्ठ कलाकार भारतीय भाषाओं में, इसमें हड़बड़ी में गड़बड़ी, इनके कलाकार हैं तुलेंद्र पटेल। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं मंच पर। तुलेंद्र पटेल शीघ्र आए, जिनका भी हम कलाकारों का नाम ले रहे हैं। हाँ जी, बस बन गया, जल्दी करो प्लीज, बहुत लेट हो रहा है। पर आज तो आपको स्कूल जाना होगा चिंटू को लाने। क्यों? थर्ड बेस्ट मूवी, अब सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की कैटेगरी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तुम जल्दी से टिफिन तैयार करो, मैं लेके आता हूँ। सर्वश्रेष्ठ कलाकार का सम्मान यहाँ पर, हड़बड़ी में गड़बड़ी। अब सर्वश्रेष्ठ मूवी के फिल्मों का नाम हम ले रहे हैं। जो तीसरे पायदान पर फिल्म है उसका नाम है द ग्रेट गैम्बलर। रविंद्र वर्धनेन्द्र को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। द ग्रेट गैम्बलर, सर्वश्रेष्ठ मूवी भारतीय भाषाएं, सेकंड रनर अप है ये फिल्म। इसी कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप है, यानी कि द्वितीय पुरस्कार है, रक्षा सूत्र। महेश्वर नाग को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। भाई की रक्षा सूत्र, बहुत ही सुंदर अवसर है जब सम्मानित किया जा रहा है कलाकारों को अलग अलग तरीके से, शॉर्ट फिल्म को, ट्रैफिक जागरूकता को लेकर के, सड़क सुरक्षा की जागरूकता को लेकर के, यह सब सम्मान है। मेरा प्यारा भाई, चलिए बैठिए। रक्षा सूत्र, महेश्वर नाग। और अब फाइनल्स की बारी है। बेस्ट मूवी राष्ट्रीय कैटेगरी पर है शिव दत्ता साजी, फाइनल्स। इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चयनित किया गया है। हम शिव दत्ता साजी को आमंत्रित करते हैं कि शीघ्र मंच पर आएं
और यह सम्मान वे ग्रहण करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इन सभी सम्मानित कलाकारों के लिए, लेकिन ये इन्हें चयनित करना बड़ा मुश्किल था। अब जूरी मेंबर्स का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से हर एक फिल्म को सूक्ष्मता से अवलोकन करके इन्हें यहां तक पायदान पर पहुंचाया गया है। तो हम अपनी जूरी मेंबर्स को भी आमंत्रित करते हैं। श्री मनोज वर्मा जी, श्री योग मिश्रा जी और श्री हीरा मानिकपुरी जी, हम उन्हें आमंत्रित करेंगे कि वे मंच पर आए। हीरा मानिकपुरी जी, योग मिश्र जी आए। छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ की जो फिल्म की जो दुनिया है उसके जाने माने नाम है थिएटर फिल्म आर्टिस्ट हीरा मानिकपुरी जी मंच पर सम्मान के लिए आगे बढ़ते हुए। योग मिश्र जी महत्वपूर्ण निदेशक हमारे बीच मंच पर हैं और जूरी मेंबर के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वे भी मंच पर सम्मान ग्रहण करते हुए। यातायात शाखा में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हम वैसे सूची बहुत लंबी है, लेकिन समय अभाव को देखते हुए सिर्फ चार नाम ले रहे हैं। टीके लाल भोई, सहायक उप निरीक्षक रायपुर, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं मंच पर, वे आए और मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मान्य अतिथियों के हाथों उनके करें। साथ ही मुकेश यादव जी, इसके पश्चात हैं बिलचंदान एक्का जी जशपुर से और वीरेंद्र कुमार वर्मा दंतेवाड़ा से, हम आमंत्रित करते हैं इन्हें मंच पर आए। टीके लाल भोई जी रायपुर, मुकेश यादव मुंगेली, बिलचंदान एक्का जशपुर, वीरेंद्र कुमार वर्मा दंतेवाड़ा। और आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अवसर है हमारे सम्मानित अतिथियों के उद्बोधन का, उन्हें हम सुनना भी चाहेंगे। सम्मान की ये कड़ी यहाँ पर चल रही है। हम अतिथियों से आग्रह करते हैं अपना स्थान मंच पर ले लेंगे और पूरे सम्मान के साथ अब उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री अरुण साव जी को उनके उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस आने वाला है, इसलिए आप में जोश और उत्साह है, इसलिए गणतंत्र दिवस का नारा मैंने लगाया है। आज के इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव के इस बहुत ही शानदार और गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, मंच में विराजमान हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी, मंच में विराजमान हमारे सम्माननीय विधायक गण आदरणीय मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्र जी, अनुज शर्मा जी, मंच में विराजमान परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश जी, प्रदीप गुप्ता जी, विभाग के अन्य अधिकारी गण
और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, बात ज्यादा हो रही है भाई, आपस में बात नहीं करिए, यही असावधानी है, इसी असावधानी से बचना है। आज जिस प्रकार से सड़कों में ट्रैफिक बढ़ा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है, समय का चक्र जिस प्रकार से तेजी से घूमा है, जीवन फास्ट हुआ है, और ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वो आज पूरी दुनिया का चिंता का विषय बना है। मैं आप सबको इस बात को स्मरण कराना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और दुनिया ने इस विषय पर चिंता जाहिर करके इस दिशा में तेजी से काम करना प्रारंभ किया है, ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बहुत थोड़ी सी लापरवाही, बहुत थोड़ी सी असावधानी कितना भयंकर परिणाम हो सकता है जब आप किसी एक्सीडेंट दुर्घटना के स्थिति को देखेंगे। अनेक बार तो इतना भयंकर और खराब हालात होते हैं कि व्यक्ति न जी सकता है न मर सकता है, इतना दर्दनाक और भयानक उसका परिणाम होता है कि जीवन भर जीवन उसके लिए बोझ बन जाता है, परिवार पूरा तहस तहस और चौपट हो जाता है बस एक थोड़ी असावधानी और थोड़ी गलती के कारण। दुर्घटना के परिणाम कितने गंभीर होते हैं और जितने गंभीर होते हैं उतना ही हमें सड़क सुरक्षा के लिए आज गंभीर होने की जरूरत है। मैं केवल इतना कहूंगा कि आज देशभक्ति के लिए हमें सीमा पर जाकर युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आज देशभक्ति हमें करना है तो देश के जो कानून है, यातायात के कानून है, ट्रैफिक रूल है, उसको पालन करना भी एक देशभक्ति का बड़ा उदाहरण है, और इसके ऐसा करके हम एक देशभक्त होने का, सच्चे देशभक्त होने का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसलिए यह जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पर लघु फिल्म महोत्सव हो रहा है, निश्चित रूप से ये हम के लिए प्रेरणादायी है। और जिस प्रकार से 19 राज्यों से प्रविष्टियां आई है, ये निश्चित रूप से सड़क दुर्घटना को रोकने में मददगार होगा, लोगों को जागरूक करने में मददगार होगा। मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि सड़क दुर्घटनाओं के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं, बहुत दर्दनाक होते हैं और जीवन भर के लिए इतना बड़ा दुख देकर जाता है कई बार कि व्यक्ति भूल नहीं सकता है। अभी लघु फिल्म के माध्यम से हम सब ने देखा है, आज जिन्हें पुरस्कृत किया गया उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा में हो रही दुर्घटनाओं को कम कर देशभक्ति का और एक आदर्श नागरिक होने का, सच्चे नागरिक होने का प्रमाण दें। मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विभाग को इस शानदार आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, और आपने जो अपने उद्बोधन में बातें कही हैं वो हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके बाद हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री, बोलिए भारत माता की। थोड़ा जोर होना चाहिए।
बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा आयोजित लघु फिल्म महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम आदरणीय श्री अरुण साहू जी, हमारे रायपुर के सांसद श्री सुनील सोनी जी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक श्री अनुज शर्मा जी, परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश जी, यातायात के डीजी प्रदीप गुप्ता जी, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और जिनको पुरस्कृत किए ऐसे सभी बंधुगण, भाइयों और बहनों और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले इस आयोजन के लिए हम परिवहन विभाग को धन्यवाद देना चाहेंगे और सड़क सुरक्षा के लिए इस तरह से विभाग आयोजन कराते रहता है, उसी के तहत आज का ये आयोजन है। मैं सबसे पहले जिनको भी हम लोगों ने पुरस्कृत किया है उनके लघु फिल्म के लिए और यातायात के क्षेत्र में जागरूकता लाने का प्रयास किया है उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके सहयोग के लिए। अभी आप लोग हमारे डिप्टी सीएम को सुने, हमारे प्रदीप गुप्ता जी बता रहे थे कि पूरे देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में बेमौत मारे जाते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है इस साल का, लास्ट ईयर का 2023 का, कुल 13,499 एक्सीडेंट के केस हुए जिसमें से 5,974 लोगों की मृत्यु हुई है और यातायात के नियमों का पालन नहीं करने के कारण कैसे बेसमय लोग काल के ग्रास में चले जाते हैं हम लोग लघु फिल्म में देखे हैं और सबको मालूम है कि थोड़ा सा लापरवाही के कारण कितने घरों का चिराग बुझ जाता है, कितनी महिलाओं का सिंदूर लूट जाता है, किसी परिवार का इकलौता बेटा एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उस परिवार का वंश ही खत्म हो जाता है। हेलमेट नहीं लगाने से सिर पर चोट आती है और ज्यादातर मौत उसी से होता है और ये सब हमारा परिवहन विभाग, यातायात पुलिस ये सब अवेयरनेस का काम चलाते रहते हैं लेकिन हम लोगों को भी स्वयं सोचना है कि हम लोग भी यातायात के नियमों का पालन करें। आजकल ज्यादातर एक्सीडेंट ये मोबाइल भी एक कारण है। लघु फिल्म में हम लोग देखे कि वाहन चलाते हुए मोबाइल से बात करने का क्या अंजाम होता है, नशा के सेवन के बाद भी वाहन चलाने से क्या दुर्दशा होती है। तो ये सब छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ा दुर्घटना का ये सब कारण बन जाता है। तो निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम
हमारे लोगों को जागरूक करने का एक मील का पत्थर साबित होगा और मैं चाहूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होता रहे, होते भी रहता है। और हम सब लोगों का प्राण बहुत कीमती है, तो इसलिए हम लोग यातायात के नियमों का पालन करें। और ये कार्यक्रम के आयोजन के लिए फिर से मैं परिवहन विभाग का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब बारी है सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने की। हम आग्रह करते हैं एस प्रकाश जी, सचिव परिवहन, की वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। प्रदीप गुप्ता जी से हम आग्रह करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय सांसद सुनील सोनी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम दीपांशु कावरा जी को से आग्रह करते हैं कि वे आएं और उन्हें स्मृति चिन्ह दें। श्री दीपांशु काबरा, कमिश्नर ट्रैफिक, सम्माननीय सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह देते हुए माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्र जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए हम आमंत्रित करते हैं सूरज सिंह परिहार जी से। माननीय मोतीलाल साहू जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए हम आमंत्रित करते हैं संजय शर्मा जी से कि वे आए और उन्हें स्मृति चिन्ह दें। और हम कीर्तिमान राठौर जी से आग्रह करते हैं कि माननीय श्री अनुज शर्मा जी माननीय विधायक को स्मृति चिन्ह देंगे। इसके पश्चात अवसर है आभार व्यक्त करने का। संजय शर्मा AIG, हम उनसे निवेदन करते हैं कि सभी सम्मानीय अतिथियों के प्रति वे आभार व्यक्त करें। संजय शर्मा। 35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत सड़क सुरक्षा एवं सुगम यातायात संबंधी जन जागरूकता के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हमारे बीच प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई जी ने अपना बहुमूल्य समय देकर हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन दिया। इसके लिए अंतर विभागीय लीड एजेंसी छत्तीसगढ़ पुलिस एवं परिवहन विभाग की ओर से सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, हम सब आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में हम सब आने वाले समय में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर दुर्घटनाओं में नियंत्रण का प्रयास करेंगे। मैं हमारे बीच उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय तथा माननीय विधायकगणों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब इस नेक कार्य के लिए समय निकालकर हमें संबल प्रदान किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे बीच उपस्थित समस्त मीडिया के बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बंधुओं, समस्त विभागीय अधिकारी कर्मचारी, गणमान्य माननीयों, NCC, NSS, स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं का, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल देश भर के विभिन्न प्रतिभागी कलाकार एवं दलों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अनेक फिल्में शॉर्टलिस्ट हुई, कुछ रह गईं, लेकिन विजेता सभी हैं क्योंकि प्रयास सभी ने किया है। सभी को बधाई, सभी के प्रति आभार। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्क्रीनिंग लगातार चली रहेगी ना? हाँ, अभी चलेगी।